हेलो नमस्ते, कैम छो बता। आज मैं आपको फ्रेशको की मुलाकात करवाऊंगा। यहाँ वैसे तो यहाँ बेसिकली बहुत सारे स्टोर्स है, वॉलमार्ट बाकी भी है ग्रोसरी स्टोर्स, बट जो चीपेस्ट है वो फ्रेशको अभी तक मुझे मिला है। मतलब आप वैसे यहाँ बहुत सारे ऐप भी हैं जिससे आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, पर अभी हम इधर 2-3 महीने से रहे हैं तो मुझे पता है कि क्या ग्रोसरी चीप रहेगी। जैसे कि सारी सब्जी और बाकी सब जो लाना है वो मैं फ्रेशको से ही मिलेगा, तो अभी बस उधर से हम सब्जी लेने जाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी सब्जी मिलती है, क्या क्या प्राइजेज रहते हैं। तो फ्रेशको बेसिकली ग्रोसरी स्टोर है जिसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट से लेके सारी सब्जी वगैरह मिलता है। मैं आपको मतलब पूरा दिखाऊंगा उधर फ्रेशको में कि कैसे सब रहता है उधर। अभी तो क्या है कि घर में पूरी कोई कुछ सब्जी ही नहीं थी तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा। ऐसे भी आज तो फ्राइडे है, सबके असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो सब वही करने में बिजी थे, तो अभी आज थोड़ा बहुत जो टाइम है वो उसी में चला जाएगा। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं और मेरे साथ ध्रुव और अक्षय है। ये तो पूरा रेडी है, मास्क वैसे पहनने की इधर ज़रूरत नहीं है। आप अगर बस में है भाई, अरे नहीं मतलब निकाल देता है। नहीं नहीं भाई, एक बार निकाला था बस में से। अरे नहीं मतलब अभी आप रास्ते पे चलो, मैं रास्ते पे चल रहे उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली इधर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बस में जब गए हो तभी आपको मास्क पहनना पड़ेगा। अगर आपके पास मास्क नहीं है फिर भी वो कई बार दे देते हैं, बट इट्स बेटर इफ़ यू ब्रिंग वन। पता चल रहा होगा कि इधर धूप भी बहुत है। अभी इधर विंटर आने में थोड़ा टाइम है। अभी मैं तो मेरा समर इंटेक ही था तो पहले तो उतना लगा नहीं कि इतना कितनी गर्मी होगी, बट अभी क्या है कि इधर बारिश कभी भी आती है कभी भी जाती है, पर अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। आज मुझे फील हो रहा है कि यार 30 अबाउट 30 टेम्परेचर है। और इधर वेदर की जो रिपोर्ट होती है या कोई भी इमरजेंसी हो वो डायरेक्टली अपने मैसेज में या नोटिफाई हो ही जाती है। एवरी डे टेम्परेचर अबाउ जा रहा है या फिर थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आ ही जाती है, तो आपको पहले से आइडिया रहता है कि आपको आज बाहर काम करने जाना है कि नहीं जाना। बस का टाइमिंग भी लिखे रहते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आती बस, जैसे वीकडेज का, सैटरडे संडे का, और कौन सी बस आएगी वो भी इधर लिखा हो रहा था कि कौन सी बस जो ईस्ट में जाती है वही बस इधर आएगी। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं, 5 से 10 मिनट जितना फर्क रहता है। Oh, I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp. एकम शहर मैकडूगल आ गए जहाँ फ्रेशको लोकेटेड है। यहाँ 2 से 3 जगह पे फ्रेशको है, बट हमें जो भी कन्वीनियंट है वही आया है। अभी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तो यही है। मुझे याद भी याद है, मतलब मैं और मंथन इधर हर एक मतलब जितनी भी शॉप्स जो भी जगह है उधर सब जगह हम रेज्यूमे देने गए थे, क्योंकि जॉब स्टार्टिंग में हमें ऐसा ही मतलब था कि रेज्यूमे देंगे, कॉल करेंगे, जॉब ले लेंगे। बट जॉब का मैं आपको बाद में बताऊंगा, जॉब का थोड़ा इधर डिफरेंटली वर्क करता है। अभी बस फ्रेशको पहुंच गए, अभी आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ फ्रेशको कैसा है। बेसिकली सब कुछ मिलता है, एक एक सब्जी आपको जो भी चाहिए सब मिल जाएगी, पर जो फ्रोजन रहेगी वो थोड़ी चीपर रहेगी। बाकी तो आपको मैं भिंडी की प्राइस दिखा देता हूँ कि भिंडी कितने के भाव है। अभी ये कितने 400 ग्राम का पैकेट है, ये देख लो 5.55 का है। डेट में डायलॉग नहीं है कि भिंडी 60 रुपये किलो हो गई है, पनीर तो थोड़े दिनों में सुना कि दुकान पे बिकेगा, बस ऐसा ही सीन है इधर। कंपैरिजन तो मत ही करना क्योंकि मैटर नहीं करता। आप इधर एक बार मतलब अर्निंग स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये अर्निंग कर रहे हो उतने प्राइस में आपको मिल रहा है बेसिकली। मंडी में चूज करके कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं सही, वैसे अपना गोटी सेटिंग करना पड़ता है, सेटिंग कर रहा है अभी, फिर फ्रेशको वाले हमको चूना मार देते हैं। इधर मतलब एक चीज़ है कि आपको सब्जी की फ्रेशनेस मिलेगी, जो सब्जी थोड़ी भी बिगड़ जाती है उसको फेंक देते हैं, अगर आप अगर कंप्लेन भी करो तो भी वो रिमूव कर देंगे। वैसे तो चीज़ें मतलब ऐसे आपको चूज़ करना पड़ता है कि कितना चाहिए और जो भी वेट होगा ना उसके हिसाब से आपको रेट होगा। वो कई जगह तंदूरी भी बोलते हैं, गिलोड़ा बोलते, गिलोड़ी बोलते, पता है क्या क्या बोलते, पर अभी देखो सब्जी मार्केट में हम चूज़ कर रहे हैं, चुन चुन के ले रहे सारे, असॉर्ट करना पड़ता है। इधर आपको मतलब कहाँ से है प्रोडक्ट वो भी मतलब कस्टमर का जानने का हक है, उस हिसाब से आपको लिखना ही पड़ता है। जैसे इधर लिखा हुआ है इधर प्रोडक्ट ऑफ ऑन्टारियो कनाडा। अभी मैं जहाँ मतलब मेरी जॉब लगी है वो ऐसा स्टोरी है, तो उधर मेरे को सब सारा मतलब ओरिएंटेशन में बताया गया था, तो इसीलिए मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ ये जो है उधर से, जैसे अपने सब्जी मंडी में पानी का छिड़काव करते रहते हैं
वैसे इधर भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये चालू होगा और थोड़ा बहुत पानी इसके आएगा, तो इसके लिए सब्जी जो ग्रीन है वो फ्रेश रहे। फ्रोजन आइटम है ये सारी, डेयरी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा, मैं तो भूल ही गया कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूध अलग अलग ब्रांड के, अलग आपको कितना फैट चाहिए सब मिल जाएगा आपको इधर। लेस के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी इधर है, बिस्किट हो गए, कुकीज़ हो गए, फिर प्रिंजल्स, ये आटा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीज़ हो गए। तो चीज़ इतने टाइप के है ना कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या ले क्या नहीं ले। कोई नहीं, इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, ये सब श्रेडेड चीज़ है। डोरिटोज आ गया सारे, मतलब वेफर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चिप्स एंड स्नैक्स, तो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो इधर मिल जाएगी। ऐसा सही रहता है जब आप गर्मियों पूरी एनर्जी आ जाती है, मैंने पिया था एक बार। इसके अलग अलग फ्लेवर है सारे, पानी भी है पानी के, जिसको घर का टेस्ट नहीं पसंद वो ऐसे पूरी बॉटल का बॉटल, ये आपको वैसे बहुत चीप पड़ता है किटकैट। खाने के लिए कोई भी चीज़ चाहिए ना वो 99% तो इधर सारी सब कुछ मिल जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में तो मैं घूम नहीं रहा हूँ, बट आपको दूर से दिखा देता हूँ। और डिटर्जेंट क्लीनर भी मिलता है इधर, बेबी फूड, हेयर केयर हो गया, बॉडी वॉश हो गया, कैंडी पॉपकॉर्न। अभी $10 का ये पूरा पैकेट है, वो कितना वेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो। ये नीचे LB में, ऊपर किलो में, तो ये पूरा पैकेट 5 किलो का है और हमें $10 में मिल रहा है। जो कि वैरायटी है, जैसे ये अनियन डिफरेंट है, ये अलग रेड वाली है, ये अलग है, लिखा है देखो, एक ऑन्टारियो कनाडा, ये प्रोडक्ट ऑफ USA। शॉपिंग हो गई है और अभी बस फ्रेशको से बाहर निकले, नहीं था कि इतना सामान लेके कैसे जाएंगे। अभी देखो दोनों बैग्स उसके हाथ में है और एक मेरे हाथ में, सब्जी ली है, बाकी तो मतलब लहसुन, कॉलीफ्लावर, फ्लावर, भिंडी, टिंडोरा, आज पहली बार दूधी को पता नहीं क्या बोलते हैं पर दूधी भी ली है। सब सब्जी खरीद के हम आ गए थे फिर उधर से, तो फ्रेशको से, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ मतलब बाकी भी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर वगैरह हैं, वॉलमार्ट हो गया, फ्रेशको का देख लिया आपने, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, फूड बेसिक्स है, बहुत सारे, पर मतलब अपने लोकल भी मिल जाएंगे आपको। पहला मंथ होगा ना उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कैसी प्राइस है, मतलब आपको बल्क में लेने जाना है तो कहाँ जाना है। कॉस्को भी है, कॉस्को का कुछ मेंबरशिप कार्ड होता है, अगर वो आपने ले लिया तो आपको मतलब बहुत चीप पड़ेगा सब सामान, तो वो भी आप मतलब 3-4 फ्रेंड्स साथ में ले सकते हो कोई वो कार्ड, वो आपके ऊपर है। आई होप सो You have enjoyed this video. We'll see you in the next vlog. Have a good day. Bye.